हरे कृष्णा राधे राधे। आज की बातें सिर्फ महिलाओं के ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें रसोई से जुड़ी हुई है। हमारे घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष होते हैं, तो आइए जानते हैं आज कौन सी नई चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ। घर के वास्तु दोष दूर करने के कुछ आसान और महत्वपूर्ण उपाय। सभी महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी आना तय है। जब भी सुबह पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। तवे पर पहली बार जब भी रोटी बनाएं, उसे गाय या कुत्ते को दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तवे को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, हमेशा साफ करके ही रखें, क्योंकि तवा जितना ज़्यादा साफ रहेगा उतनी ही आपकी किस्मत चमकेगी। तवे को किचन में ऐसी जगह रखें कि वह सबकी नज़रों में ना आए और तवे को कभी भी उल्टा ना रखें। ऐसा करने से संकट या आर्थिक दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। तवे का काम खत्म होने के बाद उसे चूल्हे के ऊपर से हटा देना चाहिए, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा राधे राधे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हरे कृष्णा राधे राधे।